राजेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने जो उदाहरण पेश किया है पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर, और आज क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संवाद करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, और अब वो दिन दूर नहीं कि जब पूरा मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे और मध्य प्रदेश वो उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमिटियां हैं पूरे प्रदेश में उनके साथ संवाद करने वाले हैं, उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटियों को बधाई देंगे, जिस तरह से 100% जो पहला डोज है वैक्सीन का वो लगा है, उसमें अचीवमेंट जो हासिल किया है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अब जो तैयारी डोज को लेकर है, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को वैक्सीनेटेड वो करना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन का डोज है, चाहे पहला डोज हो, पहला डोज जिस तरह से 100% अचीवमेंट उसमें हुआ है, और अब जो सेकेंड डोज है, दूसरा जो टीकाकरण है, उसको लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ वो संवाद करने वाले हैं। और इस संवाद में जिस तरह से पहला डोज लग चुका है, अब सेकेंड डोज लगना है, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे कमेटियों से, और आगे अब कैसे जल्द से जल्द दूसरा डोज, दूसरा टीका लोगों को लग जाए और कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित स्थिति में आ जाए। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अभी जो स्थिति मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर है, काफी बेहतर स्थिति है, केसेस हैं बहुत कम आ रहे हैं, 12, 13, 10 इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो इससे माना जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है जो टीका, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब चाहते हैं कि सेकेंड डोज लग जाए और उसके लिए जन जागरूकता हो, या फिर किस तरह से जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं उनके जरिए कैसे अब लोगों को और तेजी के साथ वैक्सीनेटेड किया जाए। 27 तारीख को एक बार फिर महाअभियान की शुरुआत होने वाली है, हमने देखा 21 जून से इसकी शुरुआत हुई थी, और फिर धीरे धीरे अलग अलग स्तरों पर महाअभियान चलाया गया। अब 27 तारीख को टीकाकरण का एक महाअभियान और चलाया जाएगा, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ संवाद करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अवधाश जी, राजेश जी, एक बात और भी तय है कि जो समय सीमा निर्धारित की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, बात कर रहे मध्य प्रदेश सरकार ने जो समय सीमा तय की थी और वो अचीवमेंट हासिल एक तरह से सरकार ने कर लिया है, और जैसा आप बता रहे हैं कि पहला डोज 100% लग चुका है मध्य प्रदेश में, और अब दूसरा डोज भी निश्चित तौर पर जैसा दिसंबर की एक तारीख या समय एक तय कर रखा है कि दिसंबर तक दूसरा डोज भी मध्य प्रदेश में सभी लोगों को लग जाए, तो वो अचीवमेंट भी हासिल करना मेरे को नहीं लगता कि मुश्किल होगा, और समय से पहले ही ये काम हो जाएगा। अब एक चीज और भी है राजेश जी कि अब बच्चों की वैक्सीन भी आ गई है, अब बच्चों को सुरक्षित करने की दिशा में भी, इस दिशा में सरकार के क्या कुछ कदम है, क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है इस दिशा में? जी राजेश जी, तो राजेश सक्सेना जी से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर जितनी सतर्कता, जितनी सजगता, जागरूकता फैलाई गई, उसी का परिणाम है कि आज 100% वैक्सीनेशन पहले डोज का हो चुका है मध्य प्रदेश में, और दूसरा डोज भी जो है लगातार लगवा लें लोग, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और राजेश जी के पास हम सीधे चलेंगे। राजेश जी, बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, अब उस दिशा में क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि ये फेज तो एक तरह से जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया, पहला डोज 100% लग गया, दूसरा डोज भी जो है दिसंबर तक लग जाएगा सभी लोगों को, उसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि अचीवमेंट हासिल कर लिया जाएगा दिसंबर तक। अब बच्चों को वैक्सीन लगाने की जो बात है, इस पर क्या सरकार का फैसला है, क्या कुछ तैयारी है सरकार की? जी अविनाश जी, अहम सवाल है, और यही सवाल हमने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम चौधरी से भी किया था कि अब जिस तरह से 18 साल से ऊपर के लोगों को जिस तरह से वैक्सीनेटेड किया जा रहा है, उनको टीका लगाया जा रहा है, और पहला डोज 100% मध्य प्रदेश ने अचीव किया है। अब खासतौर पर जिस तरह से बच्चों की बात हो रही है, 5 साल से 18 साल से 20 तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेटेड करने को लेकर अब जो तैयारी सरकार की है,
जैसे ही जो बच्चों की वैक्सीन है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से कहा था कि अब जो ट्रायल है वो अंतिम चरण में है, जो कंपनियां बच्चों के लिए वैक्सीन लेकर आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता बच्चों की 5 साल से 18 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीन आती है, और मध्य प्रदेश की तैयारी उसको लेकर पूरी तरह कह चुके हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जैसे ही ट्रायल के बाद वैक्सीन मिलती है वैसे ही बच्चों में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से एक्शन में शिवराज सरकार है, कहीं ना कहीं कोरोना से जो जंग है, कोरोना से जो लड़ाई है, प्रदेश चाहता है, प्रदेश सरकार चाहती है कि पूरी तरीके से इससे जंग लड़ी जाए, कोई इसमें कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, जिससे कि तमाम तरह की जो संभावनाएं बीच बीच में आती हैं, कहीं थर्ड वेव की चर्चा होती है, कहीं कोरोना को लेकर अलग अलग की जो चीजें आती हैं, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। जी बिल्कुल सही बात है राजेश जी, और एक बात तो तय है कि जिस तरह से सरकार ने सजगता और सतर्कता दिखाई, वैक्सीनेशन को लेकर जितनी गंभीरता दिखाई और लोगों ने भी जो है बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दिया, उसी का परिणाम है कि आज जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी काफी दिनों से, उसको निर्मूल करने की दिशा में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ी सफलता सरकार ने हासिल की, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश को वैक्सीनेट किया जाएगा और जो तीसरी लहर की आशंका है वो निर्मूल साबित होगी, यही सबकी उम्मीद है और कोशिशें इसी दिशा में की जा रही है। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क